आज बात चल रही है शनि पे। मैं सुनीता बहन जी लुधियाने वाली आपके लिए लाल किताब माया प्रोग्राम लेके हाजिर हुई हूँ। यूट्यूब के चैनल वाले सभी दर्शकों के लिए लाल किताब के अंदर शनि का क्या क्या महत्व लिखा गया है। देखने वाली बात यह है कि लाल किताब के अंदर शनि का महत्व क्या दिखता है। शनि लग्न में हो तो कहते हैं कि उस इंसान को कभी भी खुशी नहीं मनानी चाहिए, अपना मकान नहीं बनाना चाहिए। 58 साल यानी 48 साल की उम्र तक अपना मकान नहीं बनाना चाहिए। अगर वो खुशी मनाएगा या पर मीठा बांटेगा तो हमेशा वो रोता रहेगा। कहते लाल किताब के अंदर एक लॉ है कि 7 और 10 खाली हो तो शनि उत्तम गिना जाएगा कि 9 कोठियों का मालिक बनेगा। शनिदेव 9 कोठियों का मालिक बनाएगा इस इंसान को जिसका शनि लग्न में हो, उच्च का हो। अगर नीच का होगा, चाहे वो 7 और 10 खाली ना भी हो, तभी वो माड़ा ही फल देगा यानी मंदा ही फल देगा अगर वो नीच का हुआ तो। क्योंकि जब लग्न होता है हम खुद होते हैं तो हमें कई तरह की बीमारियां घेर लेगी। लग्न के अंदर जब भी शनि होगा अगर नीच का हुआ तो हमारे हमें कई तरह की बीमारियां देगा शरीर के अंदर। शनि से संबंधित शरीर की बीमारियां होती, शनि की पीड़ा, शरीर के अंदर दर्दें, ये शनि महाराज की देन होती है। शनि महाराज की देन होती है जोड़ों का दर्द, ये भी शनि महाराज की देन होती है। शनि मानसिक टेंशन, मानसिक तनाव, मानसिक परेशानियां, ये सब शनि देव देते हैं। अगर शनि मंदा हुआ शरीर लगन के अंदर तो हमें बहुत सारे शरीर के अंदर परेशानियां देगा। शरीर के अंदर दुख तकलीफें हमें बहुत सारी आएंगी और काम काज के लिए, क्योंकि लगन में शनि बैठा 7वें घर को देखता है तो 7वें घर से संबंधित हमें डेली इनकम होती है और 7वें घर के डेली इनकम का भी हमें बहुत ज्यादा माड़ा रिजल्ट मिलेगा। अगर 7वें घर के अंदर सूर्य बैठा हो तो हमें और माड़े रिजल्ट आएंगे। कहते हैं कि ऐसे इंसान की घर की गुप्त बातें बाहर निकल जाती हैं और इसके जो शरीक होते हैं, शरीक मतलब मीन्स हमारे जो रिश्तेदार, खास करके नज़दीक के रिश्तेदार होते हैं जैसे ताया, चाचू या ऐसे कोई रिश्तेदार होते हैं जो शनि से संबंधित होते हैं, ताया चाचू, और ये रिश्तेदार जो होती है हमारा मजाक बनाते हैं, हमारे घर की गुप्त बातें इन लोगों के पास जाती हैं और पूरी ब्यादरी यानी पूरी हमारी रिश्तेदारी में फैल के हमें बहुत सारे माड़े रिजल्ट देती हैं।